श्री श्री रविशंकर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की और महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने लोगों से अपील की कि अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को देखते हुए अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि फैसला आने के बाद लोग किसी प्रकार का उत्सव न मनाएं। देश में सब सुभिक्ष हो, सब लोग खुश हो, संतुष्ट हो, यही प्रार्थना करते हैं। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से ही सब कुछ चलता है। मैं बहुत साल बाद आया हूँ इधर, व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लोगों को आने जाने में, दर्शन करने में बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा हुआ है। और देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या पर, अभी फैसला आने वाला है, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, सब शांति से रहिएगा, कोई बड़ा उत्सव वगैरह मत मनाइए या कोई तरह किसी तरह का कोई धारणा वरना ऐसे कोई ना करें। आपसी भाईचारा सौहार्द को बनाए रखना, और भारत देश का ये गरिमा है, इस गरिमा को हम भूलें ना। तो हम अफवाहों में मत आएं, अफवाहों पर पढ़कर अपना संतुलन न खोएं, यही मैं सबसे प्रार्थना करूँगा। श्री श्री रविशंकर आजकल एमपी दौरे पर हैं। इससे पहले इंदौर में भी उन्होंने कहा था कि जल्द ही अयोध्या पर अच्छी खबर आने वाली है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है और जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।